हेलो फ्रेंड्स, राधा किचन तड़का में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी बनाने की रेसिपी, वो भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन भी जरूर दबाए ताकि आने वाली नई नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कद्दू की हलवाई स्टाइल सब्जी। ये खट्टी मीठी होती है और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसे कद्दू भी कहते हैं और सीताफल भी कहते हैं, कई जगह इसे कोला भी कहते हैं। और इसके साथ हम लेंगे एक कच्चा आम, इसे कैरी भी कहते हैं। इसके बीज को साफ कर देंगे और ऊपर की जो स्किन है उसे भी निकाल देंगे क्योंकि वो हार्ड है। अगर ग्रीन कलर का कद्दू होता तो उसकी स्किन इतनी हार्ड नहीं होती। ये येलो कलर का है इसलिए इसकी स्किन ज्यादा हार्ड है। ऐसे सारे कद्दू को साफ कर लेंगे और इसे मोटे मोटे स्लाइस में काट लेंगे इस तरह से। यहाँ मैंने कद्दू को काट लिया है ऐसे मोटे मोटे स्लाइस में और धोकर साफ कर लिया है। मैंने लिया है एक प्याज, छोटा प्याज, और कैरी को भी मैंने अच्छे से काट लिया है। एक इंच अदरक का टुकड़ा, उसे भी रफली चॉप कर लिया है। एक किलो कद्दू की सब्जी के साथ हमें एक कैरी और 50 ग्राम गुड़ की जरूरत होती है। आप 50 ग्राम चीनी भी ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सब्जी बनाना। कद्दू की सब्जी बनाने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है। इसे हम खुले बर्तन में बनाएंगे, कुकर में नहीं बनाएंगे क्योंकि उससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आता, कढ़ाई में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, कद्दू की सब्जी में असली स्वाद सरसों के तेल से ही आता है, इसके लिए हम सरसों का तेल यूज करेंगे। और इसमें सरसों के तेल की महक ना हो इसके लिए पहले इसे धुआंधार गर्म करेंगे, उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए और फिर इसमें हम मसाले डालेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, धुआं निकल रही है। अब इसकी फ्लेम को, गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, बिल्कुल लो कर देंगे। 1 मिनट तक लो फ्लेम रखेंगे, उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून मेथी दाना। मेथी दाना इसमें जरूर डालें। कद्दू की असली सब्जी का स्वाद मेथी दाना से ही आता है। ये भून गए हैं, अब इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज, 2 हरी मिर्च लंबे काट लिए हैं। यहाँ प्याज हमारी भून गई है, अब इसमें डालेंगे कैरी, अदरक, इन्हें भी 1 मिनट ऐसे भूनेंगे तेल में। 1 मिनट भूनने के बाद इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ज्यादा तीखी नहीं होती है और इसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर और 1/4 टीस्पून डालेंगे काला नमक, 1/2 टीस्पून डालेंगे नमक। ये आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। वन पिंच डालेंगे
बेकिंग पाउडर, इसे मीठा कड़वा भी कहते हैं और बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। ये हमारे सब्जी को बहुत अच्छा कलर देगा। सब्जी को जल्दी बनने में, गलने में मदद करेगा। इन सब मसालों के साथ ही हम डालेंगे गुड़। आप इसे तोड़कर भी डाल सकते हैं और सब्जी बनेगी तो ये अपने आप मेल्ट हो जाएगी। अच्छे से मिला देंगे और ऐसे ही मसालों को पकाएंगे। उसके बाद इसमें कद्दू डालेंगे। मसाले अच्छे से भून गए हैं, अब हम इसमें कद्दू डालेंगे। कद्दू को अच्छे से मिलाएंगे और इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि कद्दू में खुद ही पानी होता है। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला और सबसे लास्ट में डालेंगे हम सबसे खास कसूरी मेथी। इसे डालना बहुत जरूरी है, इससे जो स्वाद आता है उसका कोई मैच नहीं। इसे अच्छे से मिलाएंगे। 12 मिनट हम लो फ्लेम पर पकाएंगे ढककर, बट इसे बीच बीच में चेक करते रहेंगे। ये चेक करते हैं, जैसे 12 मिनट हो गए हैं, बीच बीच में मैंने इसे चला दिया था। मैंने इसे स्टर्न कर दिया था, ये देखिए हमारी सब्जी ने कैसे ऑयल को रिलीज कर दिया। तो ये तैयार है कद्दू की सब्जी। चेक करते हैं तो सब्जी हमारी बन गई, गले हैं या नहीं कद्दू, ये देखिए बिल्कुल गल गए हैं। गैस को ऑफ करेंगे। हमारी सब्जी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तेज पत्ता को निकाल दें। तो आइए सर्व करते हैं इसे। आप ही बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। जब आप बनाएंगे अपने घर में तो आपके घर के लोग तारीफ करते नहीं थकेंगे। तैयार है कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी। तो आप ही बनाइए कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपकी सब्जी कैसी बनी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।